हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मनु खाना खजाना में। आज हम बनाने जा रहे हैं अमरूद की चटनी। चटनी का तो नाम सुन के वैसे ही मुंह में पानी आ जाता, और अगर अमरूद की खट्टी मीठी चटनी मिल जाए तो उसके स्वाद का कोई जवाब ही नहीं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम अमरूद की चटनी कैसे बनाएंगे। तो अमरूद की चटनी बनाने के लिए हमने 2 पके अमरूद लिए लिया, जो हम नॉर्मल अमरूद खाने में यूज करते हैं वही अमरूद हमने लिया है। साथ में है 1/2 नींबू का रस। नींबू का रस ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ी खट्टी चटनी खानी है तो नींबू का रस डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। साथ में है अदरक और लहसुन, 5-6 कलियां लहसुन की और थोड़ी सी अदरक जिसको हमने कट कर लिया है। है 2 हरी मिर्च, जीरा 1 चम्मच, 5-6 काली मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती और नमक स्वादानुसार। तो चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमने अमरूद ली है इसको पहले कट कर लेते हैं, और इसके ये जो बीज है उनको हम अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम बीजों को अलग कर लेंगे। तो ये हमने बीज वाले पार्ट को अलग कर दिया, अब इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमने अमरूद को कट कर लिया, अब हम इन सब सामग्रियों को मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले डाल देते हैं इसमें अमरूद, इसी में डाल देते हैं धनिया पत्ती, मिर्च और काली मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा, नमक स्वादानुसार। तो नमक हम लगभग 1 चम्मच से कम ही नमक लिए हैं, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में है 1/2 नींबू का रस। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये देखिए अमरूद की चटनी कितने अच्छे से पीस चुकी है। अब हम इसे 1 कटोरी में निकाल दे। चटनी से धनिया पत्ती, लहसुन और अदरक की बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। तो ये देखिए कितनी अच्छी अमरूद की चटनी बनके तैयार है। और जैसे मैं पहले भी बोल चुकी कि चटनी का नाम ही लो तो मुंह में पानी आ ही जाता है। तो इस तरह से एक बार जरूर अमरूद की चटनी बनाइए और इसका स्वाद लीजिए। और अगर किसी को कच्ची अमरूद थोड़ी नुकसान करती है तो आप उसे हल्का सा भून के भी चटनी बना सकते हैं। इस समय मार्केट में ताजी ताजी अमरूद आसानी से मिल जाती हैं, तो एक बार इस तरह जरूर घर पे चटनी बनाइए और इस चटनी का आनंद लीजिए। और अगर हमारे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। इसी तरह की रेसिपी हम आपके लिए लाते रहेंगे, और रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।